किसको पता था टिकटॉक आएगा और बहुत सारे लोगों को शोहरत की बुलंदियों पर ले जाएगा। एक ऐसी ही लड़की है ना, एक ऐसी खुबरू हसीना जो कि गांव से ताल्लुक रखती, और जब उन्होंने टिकटॉक ज्वाइन किया तो जनाब हर किसी की पसंदीदा बन गई। हरीम शाह की हम बात कर रहे हैं, और जनाब जब वो कराची पहुंची तो हमने कहा कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देते, हम तो खैर नहीं गए, रेहान अहमद साहब चले गए, उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या बातें हुई हैं आइए आपको दिखाते हैं। ठीक ठाक है माशाल्लाह, हमेशा की तरह खूबसूरत, बस आपसे थोड़ा कम। अरे यार शर्मिंदा कर रही है। तो ये है माशाल्लाह आपका जबरदस्त सा वो घर जहाँ पे आप सुकून से रहती हैं और एंजॉय करती हैं अपनी फुर्सत के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक बहुत ही सिंपल सा घर है। और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने घर पे दावत दी हमें, घर पे बुलाया। बस मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप जैसे मुआज़्ज़िज़ लोग मेरे घर में आते हैं तो मेरी खुशी को चार चांद लग जाते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ बैठना मुझे बहुत पसंद है, बाहर के नज़ारों को भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हरीम शाह का जो बचपन था वो कैसा था, हरीम के पेरेंट्स कैसे थे, हरीम के जो फ्रेंड्स थे वो कैसे थे? नाटी भी था एक तरह से, मैं शरीर भी थी, शरारती भी थी, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें बहुत इनोसेंट थी मेरे अंदर। तो बस एक एतदाल में, एक दरमियानी राह में ही गुजरा। तो शरारतें जो आपने कहा कि आप नॉटी थी, तो शरारतें किस तरह की करती थी? मैं शरारतें ऐसे करती थी दूसरों के जाके, वो क्योंकि मैं गांव में, मेरा बचपन था गांव में, पली बड़ी थी, और बाहर निकलना, बाहर निकल के कज़नों के साथ दूसरों की फसलों में घुस जाना, वहाँ के जो सीजनल फ्रूट होते थे या कुछ होते थे वो तोड़ के घर ले आना, और गाँव के लोग ऐसे होते थे फ़ौरन घर पहुँच जाते थे, आपकी बेटी ने ये किया है, फिर मुझे जूते पड़ते थे। आपके कौन थे और किस तरह के थे? मेरी बचपन, चूँकि मैं फिफ्थ तक बचपन में थी और वो थोड़ी बहुत मेमोरी मुझे याद है, हम फोर्थ में होती थी कि फिफ्थ क्लास में होती थी, मेरी एक बचपन की दोस्त होती थी, हमने केजी से साथ पढ़ा था और हम मतलब नेबर भी थे, तो उस वक़्त उसके पास एक छोटी सी बकरी का बच्चा होता था प्यारा सा, और मुझे बड़ा शौक होता था, हम उस बकरी के बच्चे को लेके निकल जाते थे, सारा दिन रस्सी पकड़ के हम उसको घुमाते रहते थे और पूरे गांव की सैर करके वापस आते थे, और शाम को मेरी आगे आगे में होती थी और पीछे मेरी अम्मी मुझे ढूंढ रही होती थी कि कहाँ चली गई। गाँव की जो तुम्हारी ज़िंदगी थी उसमें तुमने कभी सोचा था कि इतना फेम मिलेगा कि पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर मुल्क में जहाँ पे भी लोग उर्दू समझने वाले मौजूद हैं वो तुम्हें पहचानते हैं? कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाब में भी, कि ऐसा कभी होगा। बस अल्लाह की देन है और मैं उस रब की मशकूर हूँ कि मेरी सोच से भी बढ़ के मुझे मिला, और पता नहीं कैसे मिला। ये जो आइडिया तुम्हें पहली दफ़ा आया कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, कि कोई तुम्हारी इंस्पिरेशन था जिससे मुतासर होके तुमने ये सब कुछ शुरू किया? नहीं, ऐसा कोई नहीं था कि जिससे मैंने मुतासर होके किया, मुझे पता भी नहीं था कि एक टिकटॉक ऐप है। उससे पहले ये है कि मैं जब हॉस्टल में आई थी, एजुकेशन के साथ साथ डिफरेंट मुझे अच्छा लगता था कि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारूँ, और छुप के मैं हॉस्टल में होती थी, घर में पता भी नहीं होता था कि हॉस्टल के साथ साथ मेरी जब क्लासें ख़त्म हो रही होती थी तो मैं इवनिंग में जॉब करती थी। तो बस अचानक से, बगैर किसी, कोई विजन ऐसा नहीं था ना, कोई ऐसा वो था कि वीडियोस ऐसे बनानी है ताकि लोग हमसे कुछ सीख सकें। पिछले दिनों तुम्हारे कत्ल के हवाले से खबर भी फैली कि हरीम शाह जो है उसको शूट कर दिया गया है, ये जो सफ़र है सारा जो तुमने उस गांव से लेके यहाँ तक जो तय किया, कभी पछतावा होता है कि मैं किस चीज़ में पड़ गई? देखें, पछताता हमेशा वो है जो जिसकी अपनी इंटेंशन दुरुस्त नहीं होती, तो आपके अपने अंदर भी एक ज़मीर है, जब आप कुछ गलत कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा होता है कि इनफ, ये मैंने गलत कर लिया, लेकिन आपकी अपनी मतलब इंटेंशन दुरुस्त है और आप कोई काम कर रहे हो तो उसको लोग कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं या कंट्रोवर्सी है जो भी मतलब कह रहे हैं, और उस पर आपको तनकीद का निशाना बनाया जाए, और उस पर अगर आपके जालिसिन जेलस होकर कुछ करें तो वो आपने दुरुस्त किए, आपकी इंटेंशन दुरुस्त थी। हरीम ये बताओ कि खुदा ना खास्ता इंसान की ज़िंदगी में चार दोस्त होते हैं, चार दुश्मन भी होते हैं, कभी अगर ये सच ही हो गया और तुम पे कातलाना हमला हुआ और तुम्हारे दुश्मन कामयाब हो गए, तुम कुछ नाम नॉमिनेट करना चाहोगी? तुम्हारे जहन में कुछ ऐसा है कि कुछ तुम्हारे मखसूस दुश्मन हैं जो ये कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे जिनको, एक तो ये कि आस्तीन का सांप हमेशा आपके अपने ही होते हैं, पता नहीं क्यों वो आपके साथ रह के वो सब कुछ करके वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो मेरे ख्याल में मेरे दोस्त मेरे आस्तीन का सांप है, जो जिनके साथ मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ वो इतना ही मुझ पर अटैक करते हैं और इतना ही मुझे डैमेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। हरीम, सारा मैं देखता हूँ कि सारे पाकिस्तान में
बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं उनके स्कैंडल्स तुम्हारे हवाले से सामने आए, वीडियोज़ जो हैं वो तुमने उनकी वायरल की, बाज़ लोगों की टेलीफोन कॉल्स तुमने वायरल की, तुम्हें डर नहीं है अपनी जान का? या तुम्हारे पीछे कौन है ऐसा जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है? मेरे पीछे शहरशीद साहब, उन्होंने शादी इसीलिए तो नहीं की, उन्होंने कहा अगर शादी करता तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थी, हावी थी, तो मैं एक पूरे पाकिस्तान पे बारी हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं मतलब एक मुनफरिद सोच के साथ और एक अकेलेपन के साथ सिर्फ तुम्हारी ही हिफाजत का तयन करूँ, तुम्हारी ही प्रोटेक्शन करूँ, तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे पीछे शहरशीद साहब हैं, तो मेरी ही वजह से उन्होंने शादी नहीं की। हरीम शाह जो है वो एक लड़की भी तो है, तो लड़की अगर है तो जाहिर है कि एक बहुत खूबसूरत दिल होगा उसका। बहुत खूबसूरत दिल है मेरा, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं। तो तुमने कभी किसी पे तुम्हारा ये दिल आया, किसी से मोहब्बत हुई तुम्हें? मुझे रोज होती है। मोहब्बत किस तरह की? देखें बिल्कुल अगर आप इंसान हो तो आप तब तक इंसान हो जब तक आप दूसरों से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, आपके पास एक मोहब्बत करने वाला दिल है, आपके अंदर फीलिंग्स मौजूद हैं, तो आप इंसान हो। तो एक इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते मैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों से प्यार हुआ। मेरा जो इशारा है इस वक्त वो अच्छा, वो वाली मोहब्बत के शादी हो जाए, क्रश हो जाए, वो हो जाए, वो होता तो मैं इतनी जल्दबाज हूँ, इतनी जल्दबाज हूँ कि मैं बहुत ही कुछ भी हो ना, चाहे मेरे हक में बेहतर हो या नहीं हो, ये मैंने करने करने करने, तो उसके हुसूल के लिए मैं बहुत आगे चली जाती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक मख्फी ना होता। दो बातें मुझे लगती हैं, मुझे लगता है या तो हरीम शाह अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, नंबर एक, और नंबर दो ये है, या तो हरीम शाह को डर लगता है शादी के बाद की जिंदगी से कि पता नहीं वो जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा मिले, क्या हो। मैं शादी के बाद की ज़िंदगी से कभी भी नहीं, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो तो ऑलरेडी आपका एक है कि वो जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और ये और अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को जोड़ों के बगैर नहीं पैदा किया, अल्लाह ख़ुद कहते हैं कि मैंने हर चीज़ को जोड़ों की शक्ल में पैदा की है। तो अभी तक मेरी अपनी दिल में कभी वो ख्याल ही नहीं आया कि मेरा कोई स्पाउस होना चाहिए, मेरा कोई जोड़ा होना चाहिए, मेरा कोई ऐसा होना चाहिए, पता नहीं क्यों अभी इस तरफ मेरा माइंड ही नहीं गया। कब तक इरादा है शादी का? जब कब तक इरादा शादी का? अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है, अभी इरादे कुछ और हैं। मतलब 2021, 22, 23, 24, 25 मेरी शादी की एज ही गुजर गई है। ये थी हमारी हरीम शाह से मुलाकात, मुख्तसर मुलाकात थी लेकिन बहुत सारी बातें हुई, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो इससे पहले कभी हरीम शाह ने इतनी तफसील से शायद ना की हो, या अपने दिल को इस तरह से खोल के देखने वालों के सामने ना रखा हो। इरादों की एक बहुत पक्की लड़की, एक बहुत मजबूत मंसूबों के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की, जिसकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब भी हैं, जो अपने हाल को भी बड़ी खूबसूरती के साथ लेके चलना चाहती है, और जो किसी से खौफजदा भी नहीं है।